नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंकू भंडारी है। एक्चुअली मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आपको अवेयर करने के लिए, जैसे ये खासकर उनके लिए जो गेस्ट हाउसर और होटल वगैरह चलाते हैं, होम स्टे वगैरह जो भी चलाते हैं। तो एक साइबर जो ये जो ठगी का काम है, एक नया तरीका निकाला हुआ है कि आपको पहले एक पर्सन का कॉल आएगा, वो पूछेगा कि आपको बुकिंग के लिए कि भाई आपका कितना रूम है, हम लोग इतने हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली मेरे को कॉल आया था, तो मैंने बताया कि भाई हमारा रूम 1500 रुपये का है। तो उन्होंने बोला ठीक है, बोला मैंने बोला भाई पहले एडवांस डाल दो 50%, आपकी डिटेल भेज दो तो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो कितने 4 लोग थे, तो उसने भेजा और अचानक बोलता है आफ्टर समथिंग लाइक 5 मिनट्स कि भाई मैंने गलती से 15,000 रुपये भेज दिया है, तो आप ऐसा करो 13,750 रुपये आप वापिस कर दो और बाकी का आप बुकिंग अमाउंट में रख लो। मैंने चो ठीक है भाई, मैं गाड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चलाते ही मैं आपको रिसेप्शन में पहुँच के मैं सबसे आपका रिटर्न कर दूंगा। तो मैं रिटर्न कर रहा था तो अचानक मुझे ख्याल आया कि पहले मुझे देख लेना चाहिए कि मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ भी है नहीं है। मोस्टली हम लोग देखते ही नहीं है ये चीज़। तो मैंने अकाउंट में जाके देखा, मतलब जो हमारी जो अकाउंट की साइट थी जिस जिससे, तो नंबर जो मेरे नंबर के रिलेटेड थे अभी भी उसकी कॉल आ रही है ये। तो मैंने फिर वो देखा, तो उसमें देखा कि कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ। फिर मैंने जो हमारी बैंक की जो अपनी ऐप होती है, जैसे सेंट्रल बैंक की है, सेंट मोबाइल ऐप है, तो उसमें गया तो उसमें देखा अकाउंट रिसेंट ट्रांजेक्शन देखी तो उसमें भी नहीं था। फिर गूगल पे की ट्रांजेक्शन देखी उसमें भी था, गूगल पे फॉर बिजनेस, पेटीएम फॉर बिजनेस और पे ऐप वगैरह, पेटीएम ऐप वगैरह सब में चेक किया तो उसमें था नहीं कोई। तो मैंने सबसे पहले कॉल किया बैंक मैनेजर को, मैंने सर ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड कॉल्स है। तो मैंने तुरंत क्या किया कि 112 नंबर पे कॉल किया। 112 नंबर कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे साइबर क्राइम का नंबर दिया 1930। तो मैंने वहाँ वहाँ कॉल की तो उन्होंने मुझे एक ईमेल आईडी दी, तो ईमेल आईडी में मैंने उसकी डिटेल भेज दी है, तो बार बार अभी भी कॉल कर रहा है। तो सर प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, तो कोई भी ट्रांजैक्शन के पहले जो है उसको जांचिएगा जरूर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।